कैसी शक्ल बना रखी है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या मम्मी, कहाँ फंसा के चली हो यार? खुद तो चली गई नानी के वहां और मुझे छोड़ दिया इस लॉकडाउन में पापा के साथ। आपको पता है घर का कितना काम करना पड़ रहा है? और हाँ मम्मी, आपको पता है मैंने पापा के साथ पूरी जिंदगी में इतनी बात नहीं की जितनी की इस 5 दिनों के लॉकडाउन में कर चुका हूं मैं। घर का कितना काम भी पड़ा है, मन तो करा दिल्ली चले जाओ, कम से कम काम पे तो रहता था मम्मी। हाँ हाँ चला जाओ वापिस दिल्ली, किसने रोका है? 5 दिन भी ठीक से अपने बाप के साथ नहीं रह सकता? पता नहीं कैसे हो गए हैं आजकल के बच्चे। और भाई साहब, ये लॉकडाउन मैंने लगवाया है क्या? मोदी जी से पूछो। मैं तो यहाँ अपनी माँ के घर आई हूँ ताकि उनकी सेवा कर सकूँ। कितने महीने हो गए हैं। अच्छा सुन, मैंने तुझे किस लिए फोन किया था? पापा का ठीक से ख्याल रखना, टाइम टू टाइम उनको मेडिसिन्स देते रहना और फोन में घुस मत जाना, नहीं तो फोन में घुस के ना मैं तुझे मारूंगी। और हाँ, ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है ना, इसके अंदर जरा कुछ खाना बनाना सीख लीजिए, वरना आजकल की लड़कियों को ना कुछ भी बनाना नहीं आता, टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाने के अलावा। शादी के बाद ना भूखा मर जाएगा। और तेरे पापा कहाँ हैं? हे माते, पिताश्री तो रामायण देख रहे हैं। कुछ भी बकवास करता है। अच्छा अब मैं फोन रख रही हूँ, खाना बना के खुद भी खा लेना और अपने पापा को भी खिला देना। और हाँ, ध्यान से दूध को गर्म करके थोड़ी देर के बाद फ्रिज में रख देना। दोनों बाप बेटा टीवी और मोबाइल में घुसे रहोगे और दूध खराब हो जाएगा, ठीक है? अरे अरे हाँ मम्मी, कर लूंगा मैं दूध गर्म। अब रखिए, वो अंकित का फोन। अंकित का फोन आ रहा है या उस लिपस्टिक वाली अंकिता का फोन आ रहा है? विक्रम एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तूने उस लड़की से बात करना नहीं छोड़ा ना तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। मम्मी आप ना ज्यादा दिमाग मत लगाओ और जाके उस नानी की सेवा करो। बाय। क्या गलत काम किया मैंने? माँ का तो अलग ही रोना है, उनको तो पता नहीं है क्या बीत रही है मेरे पे, घर का कितना काम करना पड़ रहा है। पापा की तो अलग ही डिमांड है, कब सुधरेंगे ये लोग? इस दुनिया में लोग बस नाप तोल करते रहते, कुछ समझता ही नहीं। मन तो ऐसा कर रहा है जा चले जाओ कहां पे, तो पापा की तो अलग ही डिमांड है। आई लिटरली लव सो मच बट शी डजंट। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सारे गलत है, सिर्फ मैं ही सही हूं। मन करता है सब छोड़ के कहां भाग जाओ, जा कोई भी नहीं हो, कोई भी नहीं। हेलो विक्रम बेटा, खाना खा लिया तूने? क्या हुआ बेटा, तू कुछ उदास सा लग रहा है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। हाँ, सच बता। हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बाबा, दूध गर्म में कभी जा ही रहा था आपका फोन। मैं एक बात पूछूंगी आप सर। रूही बेटा टूटू हो जाएगा। चलो आप जाओ, आपको मामा बुला रही है। जाओ मेरा बेटा, जाओ जाओ। अरे तेरे मामा जी की बेटी है, बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। अच्छा विक्रम, तू कुछ पूछ रहा था ना बेटा, पूछ बेटा।
में आपको कभी गुस्सा नहीं आता क्या कि मतलब मुझ पे या पापा पे या कभी किसी और पे भी नहीं? क्योंकि आप ऐसा लगता है कि नहीं कि आपको कभी गुस्सा आता भी है? नहीं मतलब कि आप किस तरीके से आप प्रटेंड करते हो कि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आप इतने सब अच्छे से संभालते हो जैसे कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता आपको। लाइक जिंदगी में आपके कभी कितना भी कुछ हो जाए लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ता सब चीजों से, ऐसा क्यों? नहीं लेकिन एक तो बात होती है कि लोग सोचने में कुछ गलत सोचते हैं तब भी आपको कुछ नहीं होता है, आपकी हरकतों पे, आपकी मजबूरी पे, आपकी आदत पे। अब मतलब कभी गुस्सा ही नहीं होती, मतलब ऐसा क्यों? हाँ मुझे पता है कि आपको स्पेशल पावर वाली लेडी तो हो नहीं, लेकिन तब भी आप गुस्सा नहीं कर रहे, आप एकदम हल्के में लेती हो। लाइक मतलब कैसे कर लेती हो? मुझे तो आराम से जिंदगी कट नहीं रही है अच्छे से। आता था बेटा, बहुत गुस्सा आता था पहले। अच्छा मैं तुझे तब से बार बार दूध को अच्छी तरह से बॉईल करके रखने को जो बोलती रहती हूँ, कभी इस प्रोसेस पे ध्यान दिया है? हाँ मां मुझे पता है, वो दूध वाले भैया तुम्हारे गांव के रिश्तेदार है ना। क्या यार मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और आप एक ही मदर डेयरी का आउटलेट खोल के बैठ गए। अच्छा ऐसे कर, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊं वैसे वैसे करता जाऊं, दूध के भिगोने को गैस के बर्नर पर रख कर ऑन करो और उसमें दूध डालो। अच्छा ऐसे कर। देख उस पतीले के अंदर खौलते हुए दूध को बेटा, कुदरत का अद्भुत देन है ये दूध। इसे हम हाई टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं और माइनस डिग्री पर भी रख सकते हैं। मतलब सोच उस दूध के ऊपर कितना प्रेशर दिया जाता है, कभी इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होना पड़ता है, फिर इसे कूल किया जाता है, फ्रीजर में जमा दिया जाता है, कभी आइसक्रीम तो कभी स्वीट्स, दुनिया की हजारों डिशेस इसी से बनती हैं। और जितनी बार ये प्रोसेस होता है उतनी बार ये और निखर जाता है, उतनी बार इसकी किस्मत और बढ़ जाती है। बेटा लाइफ भी ऐसे ही जलता हुआ बर्नर है जो तुम्हारे लिए कभी एक्सट्रीम लेवल की डिफिकल्टीज लेकर आता है तो कभी तुम्हारे रूप और स्वरूप को ही पूरी तरह चेंज कर देता है। चाहे कंडीशंस कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर हमें हमेशा निखर के ही आना है। यही लाइफ है विक्रम, यही लाइफ है। मम्मी लगता है दूध खराब हो गया। अरे बेटा उदास क्यों हो रहा है, इस फटे हुए दूध का पनीर भी बन सकता है। डोंट वरी, लाइफ कितनी भी मुश्किलें पैदा करे रास्ते मिल ही जाते हैं। चलो ओके, अब मैं फोन रखती हूँ और मेरा बेटा अपना ध्यान रखेगा। लव यू बेटा। लव यू माँ।